सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 3 बेस्ट 8GB 256GB रैम रोम मोबाइल अंडर 8000। तो दोस्तों, आपको अगर चाहिए बजट में ज्यादा स्टोरेज और ज्यादा रैम वाला डिवाइस तो इस वीडियो को फुल देखना। इस वीडियो में मैंने तीन ऐसे डिवाइस के बारे में बात किया जहाँ पे आपको 8GB रैम 256GB रोम मिलने वाले, वो भी सिर्फ 8000 के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला था, इसे एंड तक जाओ देखना। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस लिस्ट की जो सबसे पहले डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये डिवाइस आने वाला इनफिनिक्स की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस इनफिनिक्स हॉट 40i, जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले इसकी लुक एंड डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक बैक मिलेगा प्लास्टिक फ्रेम के साथ। उसके साथ साथ इस डिवाइस की वेट 190 ग्राम होने वाला है। डिवाइस काफी हल्का होगा। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। कैमरा मॉडल कुछ हद तक आईफोन जैसा होने वाला है। बात किया जाए इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.56 इंच का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज के रिफ्रेशरेट मिलने वाला है। आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे आपको 480 की नीट पिक ब्राइटनेस मिलेगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट बात करें इस डिवाइस के कैमरा के बारे में तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 0.08 मेगापिक्सल का एक ऑक्सिलरी लेंस भी दिया गया है। और दोस्तों, उसकी बात एक हाइलाइटेड फीचर यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इसकी जो फ्रंट कैमरा वो आपको 32 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। हाँ दोस्तों, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा 8000 के अंदर, जो काफी अच्छी बात है। फ्रंट कैमरा से भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। और एक काफी अच्छी बात है, इस डिवाइस पे आपको फ्रंट और रियर दोनों पे ही फ्लैश लाइट की सपोर्ट दिया गया है, काफी अच्छी बात। कैमरा की क्वालिटी ओवरऑल काफी अच्छा है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। इसके बाद बात कर लेते हैं इस डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला यूनिसॉक की T606 एक 4G चिपसेट। हाँ दोस्तों, ये डिवाइस 4G के साथ आने वाला है और ये प्रोसेसर एक बजट सेगमेंट की प्रोसेसर है। तो परफॉर्मेंस वाइज ये डिवाइस ठीक ठाक सा है। आप थोड़ी बहुत गेम प्ले इस डिवाइस पे आप कर सकते हो। उसकी बात इस डिवाइस की सबसे हाइलाइटेड फीचर इसकी रैम रोम है। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाले 8GB रैम और 256GB रोम, जहाँ पे आप रैम को 16GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। इस प्राइस पॉइंट पे 8GB 256GB रोम कोई भी डिवाइस प्रोवाइड नहीं कर रहा इनफिनिक्स के अलावा। बात करें इस डिवाइस की बैटरी के बारे में तो इस डिवाइस पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विद 18W फास्ट चार्जिंग। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे ज्यादातर आपको 10W की फास्ट चार्जिंग मिलता है, पर यहाँ पे आपको 18W की मिलने वाला, जो एक पॉजिटिव साइड है। सिक्योरिटी पे इस डिवाइस पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा। उसके साथ साथ 3.5mm जैक भी मिलने वाला है। डिवाइस रन होने वाला है 113 और एंड्रॉइड 13 OS पर। तो दोस्तों, ये तो का इसकी सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी एक ही वेरिएंट इंडिया पे अवेलेबल है 8GB 256GB, तो उसकी करंट टाइम पे प्राइस 9200 है, पर ज्यादातर टाइम यहाँ पे आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। और डिस्काउंट की बात इसकी जो प्राइस वो 8200 के आसपास आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा एक डिवाइस है। आप अगर बजट सेगमेंट में एक डिवाइस लेना चाहते हो, ओवरऑल कैमरा अच्छा, परफॉर्मेंस अच्छा, रैम रोम ज्यादा मिल जाए, तो इस डिवाइस के साथ जरूर जा सकते हो। ओवरऑल सभी फीचर आपको काफी अच्छा मिलता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से, और काफी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है ये। तो दोस्तों, ये डिवाइस होने वाले पोको की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस पोको C65, जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले बात करें इसके लुक एंड डिजाइन की तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम के साथ प्लास्टिक बैक मिलने वाले, जहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। डिवाइस की वेट होने वाले 192 ग्राम, तो डिवाइस काफी हल्का है। ये डिवाइस इन हैंड फील काफी अच्छा देने वाला है। इस डिवाइस की जो कम्प्लीटली लुक है ना, वो रेडमी की नोट सीरीज की जैसा ही है, तो लुकिंग वाइज काफी शानदार है। वही बात किया जाए इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.74 इंच का लार्ज IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको 450 नीट पिक ब्राइटनेस भी मिलेगा, तो आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। यहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट मिलता है, उसके साथ साथ 6.74 मतलब काफी बड़ा एक डिस्प्ले भी मिलने वाला है। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो डिस्प्ले है वो एकदम वैल्यू फॉर मनी है। उसके साथ साथ बात करें इस डिवाइस के कैमरा के बारे में तो रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p
30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 2 MP का एक मैक्रो कैमरा और 0.08 MP का एक ऑक्सिलरी लेंस भी मिलने वाला है। और दोस्तों वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8 MP का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 1080p 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छा है, 6000 पे आपको ज्यादातर डिवाइस 30 MP का कैमरा ही प्रोवाइड करता है, पर यहाँ पे आपको 50 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जो काफी अच्छी बात है। मुझे लगता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से इस डिवाइस पे आपको सब कुछ एकदम एक्सट्रीम लेवल का मिल जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला मीडियाटेक हीलियो G85 चिपसेट, जो 12 NM पे बेस है। और दोस्तों इसकी जो एंथोस वो 2,50,000 के आसपास है, तो इस डिवाइस पे आप थोड़ी बहुत गेम प्ले भी कर सकते हो। परफॉर्मेंस वाइज भी ये डिवाइस काफी अच्छा है। बात किया जाए रैम की, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट मिलने वाले, 4GB 128GB, 6GB 128GB और 8GB 256GB। डिवाइस को पावर देने के लिए इस डिवाइस पे आपको मिलने वाले 5000mAh का लार्ज बैटरी विथ 18W फास्ट चार्जिंग। दोस्तों ये तो होगा इसकी सभी मेन फीचर। आप बात कर लेते इसकी सभी आधार फीचर के बारे में, तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पे मिलने वाले साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट 3.5mm जैक मिलेगा। उसके साथ साथ ये डिवाइस रन होने वाले एंड्रॉइड 13 MIUI 14 पे। तो दोस्तों ये तो होगा इसकी सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इसकी जो 4GB 128GB वाला वेरिएंट है उसकी करंट टाइम पे प्राइस 6800 है, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 500 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, तो डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस 6200 तक आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। वहीं पे जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 7800 है, और जो 8GB + 256GB है उसकी प्राइस 8000 है। तो अंडर 8000 आपको अगर 8GB 256GB वाला रैम रोम डिवाइस चाहिए तो भी आप इस डिवाइस के साथ जा सकते हो। यहाँ पे आपको प्राइस पॉइंट के हिसाब से अदर फीचर और रैम रोम काफी अच्छा मिल जाता है। तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाले आईटेल की तरफ से आईटेल A70, जो एक काफी शानदार सा डिवाइस है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लुक एंड डिजाइन के, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम के साथ प्लास्टिक बैक मिल जाएगा, और दोस्तों रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। डिवाइस 8.6mm थिकनेस के साथ आने वाला है, यहाँ पे आपको डुअल सिम की सपोर्ट दिया गया है। वहीं पे बात करें इस डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6.6 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिलने वाला है, जहाँ पे आपको 500 नीट पीक ब्राइटनेस मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलने वाला 720x1612 पिक्सल रेजुलेशन। इस डिस्प्ले पे आपको मिलने वाला 60Hz की रिफ्रेश रेट विद 120Hz टच सैम्पलिंग रेट। तो डिस्प्ले प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा है। वहीं पे बात किया जाए इस डिवाइस के कैमरा के बारे में, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 13 MP का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 0.08 MP का एक ऑक्सिलरी लेंस मिलने वाला है। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है, कैमरा के साथ आपको डुअल LED फ्लैश लाइट मिल जाता है, तो फ्लैश लाइट की जो पावर है वो काफी ज्यादा मिलने वाला है। वहीं पे बात किया जाए फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8 MP का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। कैमरा की क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक ठाक सा है। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है यूनिसॉक की T603 चिपसेट, जो एक 4G चिपसेट है। वहीं पे बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट मिलने वाला है, 4GB 64GB 4GB 128GB और 4GB 256GB, जहाँ पे आप इसकी रैम को 12GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। हाँ दोस्तों, मेमोरी फ्यूजन के द्वारा आप इस रैम को 8GB या फिर 12GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। इस डिवाइस को पावर देने के लिए 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलने वाला है विद 10W चार्जिंग। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, उसके साथ साथ ये डिवाइस एंड्रॉइड 13 पर रन होने वाला है, जो गो एडिशन के साथ आने वाला है। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। आप बात कर रहे थे इसके प्राइस के बारे में, तो इसकी जो 4GB 64GB का प्राइस है वो 6500 है, और 4GB 128GB का प्राइस 6700 है, और 4GB 256GB का प्राइस 7500। सभी वेरिएंट पे आपको 500 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद इसकी बेस बैंड के प्राइस 6000 के अंदर आ जाता है, और 4GB 256GB की प्राइस 7000 के अंदर आ जाता है। तो आपको अगर चाहिए बजट में 8GB 256GB रैम रोम, तो इसकी जो हायर वेरिएंट है उसके साथ जरूर जा सकते हो। डिस्काउंट के बाद उसकी प्राइस 7000 के अंदर आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी तो लाइक करना चाहूंगा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए।